समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, जो समाज अपने भूगोल को नहीं जानता, जो समाज उनमें संस्कार अगर नहीं है, जिस समाज में स्वाभिमान नहीं है, वो समाज अपने आप विलुप्त होता जा रहा है। और ये सौभाग्य है कि अभी तक राजभर समाज जो है कम से कम 1500-1700 वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के साथ जूझता हुआ आज भी जीवित है। आज जो विजय दिवस मनाया जा रहा है, 11वीं शताब्दी में जब महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सालार गाजी को मारा था और 7 लाख विदेशी मुसलमानों को उन्होंने मारा, उसके बाद इस देश पर 200 वर्षों तक कोई मुसलमान शासक, कोई विदेशी शासक ने देश पर आक्रमण नहीं करने की हिम्मत नहीं किया। ये रहा विदेशी मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए राजभर समाज का इतिहास, जिस इतिहास को मिटाने की बहुत ही चेष्टा किया। उसके बाद 200-300 वर्षों तक सावन साहब 200-300 वर्षों तक ये राजभर समाज जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों का शस्त्र लूटना, अंग्रेजों की जो पैसा कौड़ी लूटना, और अंग्रेजों के साथ इन लोगों ने एक छत्र युद्ध किया। अंग्रेज इस देश को छोड़ने के पहले जाते जाते राजभर समाज को, राजभर जाति को वन ऑफ द क्रिमिनल कास्ट ऑफ इंडिया घोषित करके गया, और किसी जात को नहीं, हिंदुस्तान के राजभर समाज को क्रिमिनल टाइप सेक्ट में डाल दिया कि हिंदुस्तान के सबसे अपराधिक जाति है, अपराधी जाति वाले लोग ये। ऐसा इन लोगों ने इस राजभर समाज के साथ जो है ऐसा किया। ये जात लड़ाकू जात रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विजय दिवस हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव की उपलब्धि हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव का सम्मेलन हो, सावन साहब हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके मरोल पाइपलाइन से महाराजा सुहेलदेव का इतिहास लिखा गया। सावन साहब इसी जगह से इसी अंधेरे से कि महाराष्ट्र मुंबई से महाराजा सुहेलदेव का जो इतिहास लिखा गया, माननीय एमबी राजभर जी की अध्यक्षता में, और माननीय एमबी राजभर जी ने शुरू किया था कि महाराजा सुहेलदेव का जयंती समारोह सम्मेलन मनाया जाए। आज हिंदुस्तान में सारे लोग जो है जयंती समारोह सम्मेलन मनाते हैं, और ये जो विजय दिवस की परिकल्पना रही है ये भी माननीय एमबी जी के माध्यम से मरोल पाइपलाइन से इसकी परिकल्पना स्टार्ट किया गया। हिंदुस्तान में आज सारे 10 जून को, आज हम लोग 12 जून को मना रहे हैं, 10 जून को सारे हिंदुस्तान के सारे राजभर समाज के लोग और महाराजा सुहेलदेव को मानने वाले लोग जो है दीप जला करके उनका जो है विजय दिवस मनाए, पूरे मीडिया में आया। बंधु इस महाराजा सुहेलदेव को लोग नहीं जानते थे, ये इतिहास के पन्नों में दबा था। जब इसकी खोज हुई, जब इनके इतिहास को लोगों ने जाना, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर का उद्घाटन के समय प्रथम अगर नाम उन्होंने लिया, कोई नाम लिया, तो महाराजा सुहेलदेव का नाम लिया। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जब उन्होंने उसका उद्घाटन उन्होंने किया, तो महाराजा सुहेलदेव का नाम लिया।
आप समाज के लोग महाराजा सोहदेव की इतिहास जितना नहीं जानते हैं, आपके और दूसरे जात के लोग आपके आपके महाराजा सोहदेव का इतिहास पूरा पूरा जानते हैं। दूसरी बात, इस अंधेरी विधानसभा में, इस मरोल में और महाराष्ट्र मुंबई के बीएमसी में महाराजा सोहदेव का नाम अगर कोई दर्ज कराया तो माननीय सुभाष कांता सामंत जी ने किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। ऐसा नहीं कि मरोल पाइपलाइन के लोग आपको जानते हैं, हमारे समाज के जितने नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे अनिल राजभर जी हो, चाहे सुखदेव जी हो, मर गए सुखदेव जी विधानसभा अध्यक्ष, जितने हमारे समाज के नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के, सब लोग जो है सुभाष कांता सामंत को जानते हैं कि हमारे समाज के प्रति जो है काफी आकर्षित करते हैं, हर तरह का सहयोग करते हैं। बंधु, मैं पॉलिटिकल मैटर कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सामंत जी जब आए यहाँ तो यहाँ पूरे एरिया में कांटा कटिया लगा लगा के जो है लाइट जलती थी। हमने उनसे पूछा कि साहब आप आए हैं तो ये बिजली आएगी कि नहीं आएगी, बोला 2 महीना इंतजार करो, 2 महीना में मैं बिजली लेके आता हूँ। और उन्होंने माननीय बाला साहब ठाकरे से क्या क्या परिकल्पना किया कि बिजली यहाँ आई और सारे घरों में जो बिजली जब जली वो सारा मीटर, सारा बॉक्स, सारा तार वगैरह मेरे घर में ही रहता था, मेरे घर में इन्होंने रखवाया और बिजली जो आज हम लोग पा रहे हैं यहाँ माननीय सुभाष कांता सामंत जी की देन। जो सच्ची उपलब्धता है, जो सच्ची बातें हैं उनको कहने में कहीं कोई हिचक नहीं आना चाहिए, उसको कहना चाहिए समाज के लोगों के सामने कहना चाहिए कि जो इस क्षेत्र का विकास जो हुआ, आज डबल माला डबल माला जो लोग आज रह रहे हैं, ये शुरुआती जो है माननीय सुभाष कांता सामंत जी की देन रही। मैं चाहूँगा हमारे समाज के वरिष्ठ, और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग की बड़ी परिकल्पना थी कि हम लोग डॉक्टर्स लोगों का एक सम्मान समारोह आप आयोजित करें, वकीलों का, इंजीनियर का, और आज के सिलसिले में इसका प्रारंभ हम लोगों ने किया है। साहू साहब, आपके पीछे जितने भी लोग बैठे हैं, आगे जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब डॉक्टर और एडवोकेट्स हैं।